कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने हाल ही में 2000 रुपए के नोट को लेकर बड़ा फैसला किया था और अधीर रंजन चौधरी ने इसी फैसले के खिलाफ अपनी बात रखी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बंगला भाषा में कहा कि मोदी पगला हो गया है, ना बात करता है ना चर्चा करता है, कोई भी फैसले ले रहा है। मोदी नय मोदी परिवर्तन चाय कथा नाई बार्ता ना 2000 টাকা হঠাৎ করে আবার বাতিল করে দেওয়ার ঘোষণা করে দিল। এ তো মোদি নয় পাগলা মোদি, লোকে বলছে পাগলা মোদি, ভারতবর্ষের অর্থনীতি ভেঙে চুরমার, তার মধ্যে আবার ঘোষণা করে দেওয়া হলো যে 2000 টাকা বাজারে চলবে না নাকি। তো ভারতবর্ষের মানুষ যখন কি বিতঃসুদ্ধ সরকারের প্রতি, যখন ভারতবর্ষ জুড়ে আওয়াজ উঠে গেছে কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিরোধী জোট করতে হবে, মানুষ বলছে কথা, তখন নিজেদের দর কষাকষি করার ক্ষমতাটা বাড়িয়ে রাখতে চাইছে, দেখাতে চাইছে আমাদেরকে ধরো নালে আমরাও ঝাঁপ মারব। इस पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और बंगाल में बीजेपी के नेता सुकांतु मजुमदार ने कहा कि वो कांग्रेस नेता के बयान की निंदा करते हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो। मजुमदार ने कहा कि हाँ, पीएम मोदी पागल है, इस देश के लोगों और भारत माता के लिए पागल है, उनकी भलाई के लिए काम करने के लिए वो पागल है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अधीर रंजन चौधरी अपने बयानों की वजह से खूब विवादों में रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी को घुसपैठिया तक कह दिया था, इतना ही नहीं उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कह दिया था, जिस पर कांग्रेस पार्टी की जमकर फजीयत हुई थी और बाद में अधीर रंजन चौधरी ने अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी थी। ऑस्ट्रेलिया के 3 दिवसीय दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मई को कड़ा रुख अपनाया। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हिंदू मंदिरों पर हमलों को लेकर आवाज बुलंद की और कहा कि प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज ने भविष्य में ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, लेकिन इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने इस संदर्भ में जो कदम उठाए हैं, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने मुझे एक बार फिर आश्वस्त किया है कि वो ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेते रहेंगे। आगे पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक लिविंग ब्रिज है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच आर्थिक स्थिति को और सुधारा जा सकता है। अगले दशक में अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर बात की, नए क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार में चर्चा की। पिछले साल भारत ऑस्ट्रेलिया एकता लागू हुआ, आज हमने सीका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर फोकस करने का निर्णय किया। इससे हमारे व्यापार और आर्थिक सहयोग को और मजबूती तथा नए आयाम मिलेंगे। पीएम मोदी के संबोधन से पहले ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज ने उन्हें बॉस कहकर संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भारत की उपलब्धियां गिनाई और भारत और ऑस्ट्रेलिया के मजबूत संबंधों का जिक्र किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीयों को देश का कल्चरल एम्बेसडर भी बताया। जयपुर में शासन सचिवालय के पास योजना भवन के बेसमेंट में रखी अलमारी में 2,31,00,000 की नकदी और 1 किलो सोना मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर बीजेपी राजस्थान गहलोत सरकार पर हमलावर हो गई है। पार्टी के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना ने गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। तो इसमें जो बड़े मैनेजर है, मैं आपको वास्तव में भर्ती घोटाले के कागज दूंगा, जिसमें डायरेक्टर ज्वाइंट डायरेक्टर ये जो है ये इसका भी फर्जी सिलेक्शन है। ये यादव जो पकड़ा गया है उसके हर एक के कागज मेरे पास है
और इनके मकान आप मीडिया को ले जाऊंगा मैं, मकान ऐसे है जैसे ये कमरा है, चुटकी चलाई बिजली बंद, चुटकी फिर चलाई बिजली चालू, हाँ, और थप्पी मारी गेट खुला, दोबारा थप्पी मारी गेट बंद हो गया। मैं बताऊंगा हम लोगों को, बिल्कुल ले चलूंगा। वहीं इस पूरे मामले में राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार संस्थागत भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और विभागों में करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है। और जब इसके अंदर सोना प्राप्त हुआ, क्या सरकार को ये नहीं चाहिए था कि सोना किस रूप से सचिवालय तक पहुंचा, ये सोने के समलर कौन थे जो राजस्थान में इस प्रकार का व्यापार कर रहे हैं। हमारी मांग है कि आईटी डिपार्टमेंट में, अगर मुख्यमंत्री जी पाक साफ है तो आईटी डिपार्टमेंट में जितनी भी टेंडर्स अब तक हुए वो सारे रद्द करके और इसकी जांच कराएं, क्योंकि सचिवालय के अंदर पहली बार 2,31,00,000 रुपए मिले हैं, सोना मिला है, तो इसमें बिना विलंब किए, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है देश में सोने की समलिंग करने वाले वो लोग जो देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकते हैं, इसमें एनआईए को देना चाहिए, इनको आईटी को देना चाहिए और ईडी को देना चाहिए। ये सरकार जो संस्थागत भ्रष्टाचार के अंदर इन्होंने रिकॉर्ड बना रखा है। बता दें कि राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में इस तरह के मुद्दों को बीजेपी पूरी तरह से भुनाने का प्रयास करेगी। यही नहीं, बीजेपी का कहना है कि अगर इस पूरे प्रकरण की ईडी या सीबीआई से जांच कराई जाए तो आंच मुख्यमंत्री गहलोत तक पहुंचेगी। मणिपुर में 3 मई को कुकी नागा ट्राइब और मेतेई नागा ट्राइब के बीच हुई हिंसक झड़प की आग 3 हफ्तों के बाद भी देखने को मिल रही है। लगभग 10,000 जिलों के घरों, वाहनों, चर्च, सरकारी और निजी संपत्तियों पर हमले अभी भी जारी हैं। पहाड़ी जिले में रहने वाले मेतेई समुदाय के लोगों का घाटी की ओर पलायन जारी है और कुकी समुदाय के लोग जो इम्फाल में बस गए थे वो पहाड़ी जिलों की ओर पलायन कर रहे हैं। मेतेई और कुकी लोगों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है, लेकिन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर द्वारा चूरा चांदपुर में आयोजित आदिवासी एकजुटता मार्च मेतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की श्रेणी में शामिल करने का विरोध करने के लिए हाल ही में हुई झड़पों के लिए चिंगारी थी और अभी तक मणिपुर में हालात सामान्य नहीं हुए हैं, जिसके चलते मणिपुर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और सुरक्षा बलों की कई टुकड़ियाँ जगह जगह पर तैनात की गई हैं। इस बीच कुकी समुदाय लोगों ने केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है और एक बार फिर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग की है। हमारे पर बहुत बुरा सलूक मेतेई लोगों ने किया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से हम विनती करते हैं कि हम हमारे हक दिलवा दीजिए। हमारे भाई बहन बहुत लोगों को मेतेई लोगों ने मार दिया है और आर्मी के सामने हमारी बेटियों को बलात्कार किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी मदद कीजिए, नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हम यहाँ पर जन्मों से रह रहे हैं, ये हमारे घर है, ये हमारा जमीन है। मेतेई लोग हमसे छीनना चाहते हैं, इसलिए हम विनती करते हैं कि हमारे मदद कीजिए, हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दीजिए। हम लोग वैली में जाएंगे तो वो लोग हमें सब मार डालेंगे। वैली से हमें पूरा ट्राइब लोगों को निकाल दिया गया है, इसलिए हम लोग बहुत बेचारे हैं, हमें मदद कीजिए। वहीं कांग्रेस ने भी ट्वीट कर केंद्र सरकार को घेरते हुए मोदी सरकार से सवाल पूछे हैं। केंद्र ने सवाल किया कि मणिपुर में हालात खराब हैं, पीएम मोदी कहाँ हैं? इस सवाल का जवाब आप बखूबी जानते हैं। देश के बाहर इवेंट चल रहा है, देश के अंदर एक राज्य चल रहा है। प्राथमिकता खुद की छवि है, देश नहीं, ये जनता जान चुकी है। उधर मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह लगातार मणिपुर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर चुके हैं। बात करें मणिपुर हिंसा की तो आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अब तक 70 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, सैकड़ों घायल हैं और हजारों विस्थापित होकर राज्य भर के राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। आपको बता दें कि मेतेई ज्यादातर हिंदू हैं जो इम्फाल घाटी में और उसके आसपास बसे हुए हैं, लेकिन मेतेई आदिवासी बहुल पहाड़ियों में जमीन नहीं ले सकते हैं, पर नागा और कुकी आदिवासी राज्य की राजधानी में जमीन खरीद सकते हैं।
पहाड़ी जनजातियों की आपत्तियां मेतेई को एसटी सूची में शामिल करने पर विचार करने के इर्द गिर्द घूमती है। कुकी और नागा समुदाय ने अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत मेतेई को शामिल करने की मांग पर आपत्ति जताई है। कुकी और नागा समुदाय ने यह तर्क देते हुए कहा, बड़े और आर्थिक रूप से मजबूत मेतेई सभी सरकारी लाभों को हड़पने और पहाड़ी क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए और ज्यादातर सशक्त हो जाएंगे। दूसरी ओर मेतेई समुदाय 2012 से ही एसटी दर्जे की मांग कर रहा है। उनका तर्क है कि उन्हें 1949 में मणिपुर के भारत में विलय से पहले एक जनजाति के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन भारत में विलय के बाद उनकी पहचान खो गई। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.